नॉलेज इज पावर, आपने ये तो सुना होगा, लेकिन नॉलेज से यहाँ फ्रांसिस बेकन की मुराद साइंटिफिक नॉलेज है, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज ने इंसान को इम्पावर किया है कि वो डिजीजेस के ऊपर कंट्रोल कर सके, चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो, पेसमेकर्स हो, या रेडिएशन, कैंसर रेडिएशंस हो। तो इसी तरह कई और इंसान ने चांद पर कदम रख लिया है नॉलेज की वजह से, साइंटिफिक नॉलेज की वजह से। किसी एंशियंट जो है ना, वो आर्मी आज के किसी ब्रिगेड से, किसी बटालियन से मुकाबला नहीं कर सकती है। इसकी वजह ये नहीं है कि आज के लोग ज्यादा मजहबी है पुराने लोगों से। द ओनली डिफरेंस इज द साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। साइंटिस्ट ने तलवार को गन से, मुख्तलिफ किस्म के बॉम्ब से, एटॉमिक बॉम्ब से रिप्लेस किया कि आज जो है ना वो एक पुरानी किस्म की आर्मी जो है ना वो मुकाबला नहीं कर सकती है मॉडर्न ब्रिगेड से। लेकिन साइंस इस बात को बताने की सलाहियत रखती है कि क्या हो रहा है, चीजें कैसी काम कर रही हैं और मुस्तकबिल में क्या होगा। लेकिन इसको ये पता नहीं है कि मुस्तकबिल में कौन सी चीजें किया जाए, व्हाट शुड बी डू, क्या होनी चाहिए, इसका साइंस के पास आंसर नहीं है। इसका आंसर हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर दो साइंसदान हैं जो अप्लाई कर रहे हैं $2 मिलियन ग्रांट के लिए अपने रिसर्च के लिए। अब एक का टॉपिक है कि जो मेमेरी ग्लैंड्स है काउस के अंदर, गाय के अंदर, जिसकी वजह से जो है ना वो 10% दूध की जो है ना वो रिडक्शन हो रही है। अगर हम इस वो साइंस दान इस रिसर्च को करें तो 10% जो है ना वो दूध की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। अगर दूसरे साइंसदान के मुताबिक जो रिसर्च टॉपिक है वो कह रहा है कि जो मेंटल इफेक्ट होती है काउस के ऊपर, गाय के ऊपर, जब उसको उसके बिछड़े से, मतलब उसके जो बच्चा है उससे दूर किया जाता है। अब यहां पर दो रिसर्च टॉपिक्स हैं। अब सोसाइटी किसको मतलब फाइनेंस करेगी? अगर वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सरमायादार सोसाइटी है, तो वो गाय वाले जो प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन वाले रिसर्च को फाइनेंस करेगी। अगर प्योर हिंदू सोसाइटी है जो गाय को सीक्रेट समझती है, तो वो गाय के मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करेगी। तो यहां पर पता ये चला कि साइंस डिसाइड नहीं करती है, कि साइंस के मुताबिक ये नहीं है कि जो मेमेरी ग्लैंड्स का जो सर्च है, रिसर्च टॉपिक है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेंटल हेल्थ ऑफ द काउ। यहां पर हमारा जो कल्चर, पॉलिटिकल और रिलीजियस फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि साइंस की सिमत किस तरफ होगी। इसी तरह साइंस को ये बात भी पता नहीं है कि जो है ना वो उसके डिस्कवरीज के साथ क्या किया जाए, पॉइंटलेस है। मिसाल के तौर पर अब साइंस की एक डिस्कवरी है जीनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अब जीनेटिक इंजीनियरिंग को आया कैंसेरियस सेल्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाए, या जीनेटिकली मॉडिफाइड सुपर ह्यूमंस क्रिएट किया जाए, या जीनेटिकली मॉडिफाइड काउस, मिल्क प्रोड्यूसिंग काउस को प्रोड्यूस करें, साइंस यहां पर क्लूलेस है कौन सा काम करें। लेकिन यहां पर आइडियोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे, कैपिटलिस्ट डिसाइड करेंगे, मार्क्सिस्ट डिसाइड करेंगे, लिबरलिस्ट डिसाइड करेंगे, रिलीजियस जो आइडियोलॉजी से वो डिसाइड करेंगे कि साइंस की ये जो एजाद है वो कहाँ पर यूज होगी, आया काउ प्रोड्यूसिंग, मिल्क प्रोड्यूसिंग काउस में उसको मतलब यूज किया जाएगा, या जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर ह्यूमंस को बनाने के लिए यूज होगा। तो पता ये चला कि साइंस की जो सिमत है वो डिसाइड करती है, कौन डिसाइड करते हैं, हमारे आइडियोलॉजीज, हमारे पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो जो है ना वो
साइंस के लिए साइंस के निस्बत कैसी है। जो परवेज हूद बोई हैं अपने जो आर्टिकल है डॉन ओपिनियन सेक्शन में लिखते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल और रिलीजियस सेक्टर है उसको अभी तक पता नहीं चला है कि जो है ना वो साइंस ही तरक्की का वाहिद जरिया है। ड्यूरिंग जब पाकिस्तान बना था तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने एक्सट्रीम इस्लाम को जो है ना प्रमोट किया, ताकि उनके मुताबिक जो यूनिटी है पाकिस्तान के अंदर, यूनिटी जो है ना वो रिलीजन से ही कायम किया जा सकता है। जबकि ये मफरूजा गलत साबित होता है जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान अलग होता है। इसी तरह ड्यूरिंग 1980s मर्द मोमिन जाउल हक के मतलब मदद से यूएसए और सऊदी अरबिया की मदद से हमने एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम प्रोमोट किया, ताकि हम जिहादी काले सांप पैदा कर सके अफगान जहाद के लिए। इसके नतीजे में आज तक जो है ना वो हम वो काले सांप हमें डस रहे हैं दहशतगर्दी के फॉर्म में। इसी तरह ड्यूरिंग 1970s और 80s में सो कॉल मुल्ला मिलिट्री अलायंस बने, जिनका मकसद, जिनकी वजह से इतने मदरसे प्रोड्यूस हुए, इतने मदरसे क्रिएट हुए। आप इमेजिन कर सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर जहां पर हैविली पुलिस्ड और रूल एंड रेगुलेशन होती है, वहां पर हर 3 मस्जिद में से 2 जो है ना वो इंक्रोच लैंड पर, काबिज की गई लैंड के ऊपर बनाई गई हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सो कॉल मिलिट्री मुल्ला अलायंस थी वहां पर, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो हमने उन मुल्लास वहां पर मदरसे कायम किए ताकि हम जहादिस बना सके, उन जहादिस को यूज करें हम कश्मीर को लिबरेशन के लिए, कश्मीर लिबरेशन के लिए हम उनको यूज करें। हमने बजाय ये कि हमने साइंटिफिक कल्चर को प्रमोट करते, साइंटिफिक डेवलपमेंट करते, पावर गेन करते, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करते, आज पाकिस्तान की कोई क्यों नहीं सुन रहा है, इंडिया की सब क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने अपनी जो है ना वो साइंटिफिक डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। आज सिर्फ इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट से $200 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान के मुश्किल से 1.9 से लेकर $3 बिलियन है। आज पाकिस्तान, आज जो है ना वो इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। आज कश्मीर के मामले से पाकिस्तान की कोई नहीं सुन रहा, इंडिया के मतलब गोल गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि इंडिया इज द मोस्ट सुपर पावर, इंडिया जो है ना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, और जबकि हम लिस्ट में ही नहीं आते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो तरक्की का वाहिद जरिया है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, न कि रिलीजियस डेवलपमेंट है। थैंक यू।